से मुझे देश के अंदर अनेक राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। बंगाल में गया हूँ, उड़ीसा में, असम में, त्रिपुरा में, इधर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में भी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, चारों ओर एक ही गूंज है, एक ही नारा है, और वह नारा है फिर एक बार मोदी सरकार की। भाइयों बहनों, ये मोदी सरकार की गूंज चारों ओर जो सुनाई दे रही है, ये अचानक नहीं है। इसके पीछे कारण है, 2014 में जब मोदी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व ने दिया था, तब गुजरात के अंदर उनका 180 कार्यकाल देश के लिए एक उदाहरण था, यानी मोदी जी का नाम था। लेकिन 2019 में जब हम लोग हैं तो मोदी जी का नाम भी है और मोदी जी का काम भी है। भाइयों बहनों, 19 में 5 वर्ष का ये कार्यकाल, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जो कार्यकाल है 5 वर्ष का, इसने कई मायनों में काम किया है। और कई मायनों में अगर आप देखेंगे, वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ाने का हो, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने का हो, भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों में एक नई गति देने का हो, या फिर गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का हो, ईमानदारी के साथ आजादी के बाद किसी एक सरकार ने इन सभी मोर्चों पर इस देश के अंदर कार्य किया है, तो भाइयों बहनों, ईमानदारी से कहा जा सकता है वह नाम प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का है। और अगर सरकार के बारे में कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने कार्य करके दिखाया है। आपने देखा होगा, योग को वैश्विक मान्यता दिलाना, योग भारत की परंपरा की एक धरोहर है, आज से नहीं हजारों वर्षों से, और योग की परंपरा को तमाम अन्य देश और तमाम ऐसे लोग थे जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वे लोग योग को अपने नाम से पेटेंट कराते थे। लेकिन मोदी जी के प्रयास से 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में हुई, और विश्व योग दिवस के रूप में योग की परंपरा को जो दुनिया ने मान्यता दी, आज जब भी योग की चर्चा दुनिया के अंदर कहीं होती है तो भारत की चर्चा होती है, श्री नरेंद्र मोदी जी की चर्चा होती है, पूरी दुनिया इस बात पर गौरव की अनुभूति करती है कि भारत की ऋषि परंपरा का यह प्रसाद योग के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। कुंभ की परंपरा देश के अंदर मानवता की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, श्रीमान सुशील रघुवंशी जी उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर कृष्णपाल सिंह, केपी यादव जी, लोकसभा के प्रभारी महेंद्र सिंह यादव जी, संभाग प्रभारी नरेंद्र विठरी जी, लोकसभा के संयोजक सूर्य प्रकाश तिवारी जी, लोकसभा के सह संयोजक श्री जगराम सिंह यादव जी,